हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन। आज हम आए हैं, आज फैमिली मस्ती के लिए आज हम कैंपिंग करेंगे, टेंट लगाएंगे। देवांशी भी आई हुई है आज। वाह भाई वाह, देवांशी कब आई हो तुम? हाय। अरे वाह, सभी लोग आए हुए हैं। वाह भाई वाह, बहुत मजा आ गया। आज तो पूरा फन होगा यहाँ पे, फुल एकदम से। तो टेंट तो हमारा बहुत अच्छे से पिच हो गया है, तो अब हम सोचते हैं क्यों ना कुछ खाने पीने की तैयारी की जाए, और क्यों ना हम शुरुआत करें अपने सूप से। हमने पानी डाला और गैस के ऊपर हमने इस पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है, और अब सूप पाउडर डाल करके साथ में बटर से तो अलग ही मज़ा आता है, और काली मिर्च पाउडर का तो एक अलग ही लुत्फ है जो मेरी सिस्टर बहुत पसंद करती हैं। और साथ में कुछ हम सोचते हैं कुछ फ्राई किया जाए, तो स्माइलीज हमारे साथ थी, तो हम कुछ स्माइलीज को फ्राई करते हैं, और स्माइलीज के साथ सूप का एक अलग ही मज़ा आएगा। और ये हमारी स्माइलीज तैयार, और ये हमारा सूप तैयार। क्या कलर आया, वाह भाई वाह, क्या कलर आया है, मज़ा आ गया। अब आराम करने के बाद हम सोचते हैं कुछ खाने पीने की तैयारी की जाए। भैया हम तो बैठ गए अपने उंगली जला करके। आज कैंपिंग का हमारा पहला दिन हमारे फार्म हाउस के ऊपर, और फिर हमने जब अपनी कुकिंग शुरू की तो पैन वगैरह थोड़े छोटे थे, हमने उसको तलने के लिए थोड़ा छोटा लिया, तो मैंने आज उंगली भी जला ली अपनी ऑयल से। तो ये सब चीज़ें तो छोटी छोटी चीज़ें होती रहेंगी। बैठा हूँ उसको बर्फ़ के पानी में हाथ डाल के, उसके ऊपर से अभी पेस्ट लगाया मैंने। फिर हमारे पास एक मैनेजमेंट की लड़की आई हुई है, वो होटल मैनेजमेंट कर रही है, तो उसकी इंटर्नशिप भी है, वो घर आई हुई है आजकल। उसने कहा मैं चलती हूँ, मैंने ठीक है वहीं पे दो, तो इसका प्रोजेक्ट भी हो जाएगा आज। इंटर्नशिप के लिए आई हुई है ये। तो आज हमारा प्लान है पुलाव खाने का, और मेरे यहाँ धनिया भी लगा हुआ है, तो मैंने अपने बोला है अपने बंदे को कि ज़रा तोड़ के लाओ धनिया, तो वो फ्रेश चटनी पीसेगा अभी। तो आप देखते हैं पुलाव का चटनी का कैसा लगता है। फ्रेश मूली काट तोड़वा के लाते हैं, काटेंगे उसको। वाह ताज पापा, ये क्या किया आपने? चाय थोड़ा पी रहे हो आप? देवांशी पुलाव तो जबरदस्त बनाया। देवांशी द बाबा, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है तेरी, बहुत पास हो गई तेरी। आज सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे इस खाने की बनाने में तो मज़ा आया ही है, साथ में जो चीज़ें हमने इसमें तैयार की हैं, जैसे हमने अपनी मूली बिल्कुल फार्म फ्रेश मूली अभी निकलवाई हमने, वो कटवाई, चटनी धनिया हमारे यहाँ बहुत लगा हुआ है, फ्रेश धनिया की चटनी हमने बनवाई है अभी, टोमेटोज भी हमने लगवाए हुए हैं, वो भी अभी हमने कटवाए हैं, फ्रेश खीरा, ये सब कुछ हमारा अपना है, इवन राइस हमने अपना लगाया हुआ है, ये सब कुछ ऑर्गेनिक फूड है हमारा यहाँ पर। बहुत ही लाजवाब टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल बहुत ही टेंट के अंदर और खाने का एक अलग ही मजा है। वाह, शाम का वक्त हो गया है और ठंड भी बढ़ गई है, तो हमने सोचा क्यों ना साथ साथ चाय का भी मज़ा लिया जाए, तो हमने अभी अपनी चाय पी रहे हैं, और साथ साथ अब ये भी सोचते हैं कि अब चला भी जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया तो।